मुंशी प्रेमचंद की कहानी बोड़म, कथावाचक सोनम। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि बोड़म की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता के प्रदर्शित करने का ना कभी ऐसा अवसर ही मिला था और ना प्रलोभन भी। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से ये कहा और गांधी बाबा ने ये जवाब दिया। अभी आप लोग देखते क्या हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात को भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अधीन देखने पड़ेंगे। आज तो लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते, उनके मुख फूल की तरह खिल जाते, आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती, गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी का ही भरोसा है, ना हुआ बोड़म नहीं तो आपका गला नहीं छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता, कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर ये बोड़म है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बोड़म है। घर में लाखों की संपत्ति है, शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में है, 300-400 के तलब वाले आदमी नौकर है, पर इसे देखिए फटेहाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे, 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहां लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए, आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया, नौकर चाकर लूटते खाते हैं उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है, क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है लेकिन उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता, बस वही मोटा कुर्ता गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक करें, बस पूरा बोड़म है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, ये देखिए बोड़म आ रहा है। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हृष्ट पुष्ट युवक था, नंगे सिर एक गाढ़े का कुर्ता, गाढ़े का ढीला पैजामा पहने चला आता था, पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया, मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा, ये कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वो आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराई की होगी, मुझे ये बोड़म का लकब मिला है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ आपकी चर्चा लोग रोज करते हैं, मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, आपका नाम क्या है? बोड़म ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांवों में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज्यादा जानते हैं, मेरा उर्फ बोड़म है। मैं, आखिर लोग आपको बोड़म क्यों कहते हैं? उनकी खुशी और क्या कहूँ, मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाज़त नहीं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं, रात दिन हिसाब किताब नफा नुकसान मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता, गोया खुदा के बंदे ना हुए इस दौलत के बंदे हो गए। चचा साहब हैं, वो पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों के शक्कर का वजन करते हैं, दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं, किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है, मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है, अपने बलबूते पर छोटे कारोबार चला सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बोड़म हूँ। मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है, ऐसा भूल कर भी ना कहिएगा, वरना एक ही जगह 2 बोड़म हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगवाता हूँ, स्मरणा फंड में रुपए भेजना चाहता हूँ, खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फ़र्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मन का हमला हो रहा है तो
तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बौड़म का लकब दिया जाता है। आप तो वो कह रहे हैं जिसकी इस कौम को ज़रूरत है। मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी में आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हज़ारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा पहनने को मैसर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मीठे लुकमे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो। आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं। मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया के लिए भेष बना के घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं, वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे, बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेवसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती कि अगर 5 मिनट भी देर हो जाए तो उनके आधे दिन की मजूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाही, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू कर दी। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम थे। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी था, लेकिन धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब ले दे हुई। पहले बौड़म होने में कुछ कोर कसर थी, वो पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग इतना क्यों डरते हैं। आपने वही किया जो हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हराम खोरों की यही सजा है? फिर तो एक और दो हो गए हैं। अफसोस यही है कि आपका यहाँ कयाम ना होगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गवारों से तो मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया था। उससे 2 बच्चे, 1 लड़का और 1 लड़की पैदा हुआ। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत है जो यतीमों की होती है। कोई बात ना पूछता था, उनको खाने पहनने को भी ना मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते। जनाब, मुझसे यह ना देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया, जिसे देखिए मुझ पर त्योरियाँ बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर है भी तो वो हमारा ही खून, इसलिए मैं बौड़म कहलाता हूँ। जो लोग आपको बौड़म कहते हैं वे खुद बौड़म हैं। जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की ममानियत कर दी है, हिंदुस्तान के उलेमा ने भी यही फतवा दिया है, पर यहाँ खास मेरे घर पर कुर्बानी हुई। मैंने हरचंद बवैला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका प्रायश्चित मैंने ये अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों का खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गाय लिए जाता देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मज़ा यह है कि जिन्हें मैंने गायें दी वे भी मुझे बौड़म कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदि हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। आप जैसे बौड़म काश मुल्क में और ज़्यादा होते। लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए आम का बाग है, मैं उनकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हज़ारों का नुकसान हो रहा है वहाँ तो देखभाल करता नहीं, ज़रा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का ये हाल है कि 1 आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाए, टपकने लगे, तब जिसका जी चाहे चुन ले। कच्चे आम खराब करने से क्या फ़ायदा, ये भी मेरे बौड़मपन में दाखिल है। ये बातें हो रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनियों को पकड़े हुए घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन 4 आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, ये बेईमान है, इसके बाट कम है। अभी इसके यहाँ से शेर भर घी ले गया हूँ, घर पर तौलता हूँ तो 1/2 पाव कम, अब लौटाने आया हूँ तो कहता है कि मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तूने पूरा तौला था तो क्या रास्ते में मैं खा गया। अब ले चलता हूँ थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय जो वहाँ डाकखाने के मुंशी थे बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, पूरा कभी नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई। लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी, लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इनके बाटों की आज ही जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहिर था, अपने सिर पर से खली की गठरी उतार कर बोला,
साहब ये 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी, घर पर तौला 2 सेर हुई, लाया कि लौटा दूं पर ये लेता ही नहीं, अब इसका निपटारा थाने ही में होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, हाँ हाँ ये सचमुच बेईमान है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बांट रत्ती भर भी कम निकले तो 1000 रुपए का डाण दूं। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टांकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टांकी मार देता है यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बांट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और, इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया, पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आध घंटे तक तकरार होती रही। मेरी समझ में न आता था कि क्या करूं, बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे, खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहां तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बौड़म सामने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक कटोरा था, दूसरे हाथ में एक टोकरी और पीछे 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, ये कटोरा आपका ही है काजी जी? मौलवी ने चौंक कर कहा, हाँ है। तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? इसलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की है। मौलवी, तुम अपना बौड़मपन यहाँ ना दिखाना, नहीं तो किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे, तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का? वही जो आपको बनियों को थाने में ले जाने का है, अब ये घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिर पिटाकर, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है, कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ, आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए हमारा आपका फैसला थाने में होगा, मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब न रुके, बनिए को छोड़कर खलील के बाप के सामने चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे तू भी थाने जा रहा है? चल मैं भी चलता हूँ, तेरे घर से ये शेर भर खली लेता आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, भैया जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज इतनी मटमुर्दी सवार हो गई है कि एक भले आदमी को तबाह करने पर उतारू हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया, भैया मेरी 1,00,000 रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट किए बिना न मानूंगा। अहीर, साहू जी अब की माफ करो, नहीं तो कहीं का न रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलाई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? तुम बेचारे मेरी कलाई क्या खोलोगे, मुझे अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आऊंगा? खलील लड़के से, क्यों बेटा, तुम शक्कर सीधे सीधे घर पर लेकर चले गए थे? लड़का, बताऊंगा। मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे? खलील, बेटा अभी तुमने जो मुझसे कहा था वही फिर से कह दो। दादा मारेंगे। क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी? लड़का रोने लगा। जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे पूछा तो नहीं, बनिए के सिर पर सवार हो गए, यही शराफत है। मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में ये शरारत की है? तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले गए? आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्टकार्ड आने में बेचते हैं, जब कहिए तब साबित कर दूं, उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते हैं? मुंशी जी ने बौड़म को मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया, दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं। मुझे हाथों लगे कि तू दूसरों के बीच में दखल क्यों देता है, यहाँ ये भी बौड़मपन मेरे बौड़मपन में दाखिल है। मुझे एक बनिए के पीछे भले आदमियों की कलाई खोलना मुनासिब न थी,
ऐसी हरकत बौड़म लोग किया करते हैं, मैंने श्रद्धा शब्दों में कहा। अब मैं आपको इस नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है, जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है। वो चतुर है, बुद्धिमान है, जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता। वो बौड़म है, वो निर्बुद्धि है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बौड़म, कथावाचक